बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल एंड डिवाइसेस। इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की बुनियादी चीज़ें और डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर लातिनी ज़बान के लफ्ज़ कंप्यूटर से अखज़ किया गया है। अंग्रेज़ी ज़बान में इसके मायने कंप्यूट करना के हैं। कंप्यूट का मतलब गिनना, शुमार करना। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली मशीन है। डेट कैन एक्सेप्ट, जो डाटा को कबूल करती है, स्टोर डाटा को अपने अंदर महफूज करती है, दैन प्रोसेस डाटा टू जनरेट इंफॉर्मेशन, और इस डाटा पे प्रोसेसिंग करके, अमल करके हमें इंफॉर्मेशन मुहैया करती है। अब डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है, इसकी एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको इस पिक्चर से। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है अब्दुल हनान। अब्दुल हनान के मैथ के मार्क्स, उर्दू के मार्क्स, कंप्यूटर के मार्क्स, इस्लामियात के मार्क्स, हमारे पास क्या है? डाटा है। अब कंप्यूटर क्या करेगा कि इस डाटा पे प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग में कंप्यूटर तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल करेगा, उसका ग्रेड मालूम करेगा और परसेंटेज निकालेगा। इंफॉर्मेशन में हमें परसेंटेज, ग्रेड एज अ आउटपुट देगा। इस तरह हर सब्जेक्ट के अलग-अलग मार्क्स डाटा है। कंप्यूटर इस डाटा पे प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमें जो टोटल मार्क्स देगा, हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स जो हमारे पास आएंगे वो क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगा। रिजल्ट कार्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हर सब्जेक्ट के अलग-अलग मार्क्स हमारे पास क्या हैं? डाटा हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाली मशीन है जो इंफॉर्मेशन और डाटा को इनपुट डिवाइसेस से हासिल करती है। हमें डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, दी गई हिदायत के मुताबिक प्रोसेस करके आउटपुट में हमें रिजल्ट देती है। कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई क्वेश्चन प्लस करना है, 2 + 2, इसमें आप 2 एज ए इनपुट देंगे और +2 इनपुट, उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, इस पर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद जो हमें जवाब वसूल होगा वो क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगी। 2 + 2 हमारे पास डाटा है और क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगी। इट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। ये बहुत कम वक़्त में प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यू कैन कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। आप कंप्यूटर के ज़रिए अपना काम बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन रीड स्टोरीज, आप कंप्यूटर में स्टोरी रीड कर सकते हैं। राइट लेटर्स, लेटर लिख सकते हैं। ड्राइंग कर सकते हैं। प्ले गेम्स और गेम्स खेल सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा क्या होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। थैंक यू।